आगे ना जाए, ये भी एक तरह का पजल है बाबू, ठीक है। तो इसमें भी क्या कर रहा है, इसमें भी हमें क्या ढूंढना, क्वांटिटी ढूंढना है, ठीक है। तो आइए तो इसमें भी हम फिजिकल क्वांटिटी ढूंढते हैं, छुपा हुआ रहेगा उसे उसे हमें क्या करना है, ढूंढना है। तो वो सबसे पहले ढूंढ लेते हैं, और इसमें भी क्या कह रहा है, फॉलोइंग बॉक्सेस इन द पजल, जिस तरह से मोशन, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी विच रजिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट। क्या कह रहा है कि वो बॉडी जो है, बॉडी क्या कर रहा है, वो अपने आप को वो क्या कर रहा है कि क्या कर रहा है, वो जो रजिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट, यानी क्या कर रहा है, यानी अपना वस्तु का जो स्थिति है उससे वो बदलने में, बदलने के लिए वो प्रेरित नहीं है, यानी क्या, वो रजिस्ट कर रहा है यानी प्रतिरोध कर रहा है, ताकि किया ताकि उसका जो, यदि वह रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाह रहा है, ठीक है, और यदि वह मोशन में है तो वह मोशन में ही रहना चाहे। तो ऐसा किस केस में होता है बाबू, तो आप लोगों ने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बताता है कि यदि कोई वस्तु, यदि थिंग्स है, वह क्या, यदि वह मोशन में है तो मोशन में ही रहना पसंद करता है, और रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना पसंद करता है। इस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व का नियम। यहाँ पर इनर्सिया हो जाएगा, इनर्सिया हम ढूंढते हैं, इनर्सिया है कहीं, इसमें आई ढूंढ लीजिए, आई इसमें नहीं है, आई इसमें आई है, इनर्सिया मिल गया, आई पहले तो पेन चूज कर लेते, तो आई एन ई आर टी आई ए, इनर्सिया मिल गया आपको, यानी फर्स्ट क्वेश्चन मिल गया आपको, ठीक है। चलिए सेकंड आ जाते हैं, सेकंड क्या कर रहा है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास एंड वेलोसिटी के मल्टीप्लाई को हम क्या करने हैं, मोमेंटम कहते हैं, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है पी बराबर एम वी, यहाँ पर मोमेंटम ढूंढ लीजिए, एम ना थर्ड में ढूंढ लीजिए, मोमेंटम है कहीं, नहीं है, इधर देखते जाइए, मोमेंटम मोमेंटम मोमेंटम, यहां पर तो देख लीजिए मोमेंटम मिल गया, ये हो गया मोमेंटम। हो गया क्वेश्चन नंबर टू का, थर्ड में क्या करा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम को, रेट ऑफ चेंज को हम क्या कहते हैं बाबू, तो फोर्स का फॉर्मूला है, मोमेंटम से रिलेशन में जानते होंगे कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स ढूंढ लेते हैं, यहाँ पर मिल जाएगा फोर्स, देख लीजिए थर्ड का, एफ ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। फोर्थ में आते हैं, फोर्थ में आपको क्या दे दिया है कि फोर्स अप्लाइड फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। फोर्स तो अप्लाई हो रहा है, मगर वह कितना देर के लिए हो रहा है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तब उसका क्या होगा, तो आप जानते होंगे बाबू कि फोर्स यदि शॉर्ट इंटरवल के लिए, टाइम के लिए यदि उपलब्ध होता है, देख आप लोगों ने इम्पल्स पढ़े होंगे, इम्पल्स का हिंदी नेम होता है उसका आवेग, ठीक है। तो इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, फोर्स गुना टाइम होता है, ठीक है। तो जहां भी आपको इम्पल्स मिले वही इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ढूंढ लेते हैं इम्पल्स, तो उस इम्पल्स ढूंढने के लिए तो सबसे पहले आई ढूंढिए, आई आई यहाँ पर है, और यहाँ आई इसका तो काम हो गया, इसका स्पेलिंग होता है IMPULCE, IMPULCE, सॉरी SE, IMPULSE,
इम्पल्स आपको मिल गया। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर, मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया को जो मेजरमेंट किया जाता है वो किससे हम मापते हैं बाबू, तो इनर्शिया किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, तो इसके लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिस वस्तु का मास ज्यादा होगा उसका भी इनर्शिया क्या हो जाता है, वैल्यू ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। ठीक है, तो मास के लिए एम ढूंढिए, देख लीजिए ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इंपल्स, इंपल्स किस में था वो, क्वेश्चन नंबर 4 में, इंपल्स हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इनर्शिया ये हो गया क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 1, और फोर्स हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एक मोमेंटम बच गया, एक था क्वेश्चन नंबर